हेलो नमस्कार आदाब सच श्रीकाल ओम शांति कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई प्रतिज्ञा ज़रूर करता है चाहे बड़ा हो छोटा हो या वृद्ध हो लेकिन क्या हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरी कर पाते हैं हमारी आज की कविता जो है वो हमें नए वर्ष के यहाँ ले जाती है नए वर्ष के प्रति ले जाती है जब नया साल आता है तो हम कोई ना कोई प्रतिज्ञा ज़रूर करते हैं या फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं पिछले साल हमने प्रतिज्ञा तो की थी लेकिन पूरी नहीं कर पाए थे तो इस साल हमें ये हौसला दो कि हम हमारी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए चाहे वो प्रतिज्ञा कोई भी हो वो वो गुणों के प्रति हो वो संस्कारों के प्रति हो वो आदतों के प्रति हो मुझे इस साल डाइट करना है मुझे इस साल वज़न कम करना है मुझे इस साल सुबह मॉर्निंग वॉक को जाना ही है या फिर मुझे इस साल कुछ अच्छा पढ़ना है <laughs> आपने ज़रूर की होगी प्रतिज्ञा तो आइए बात करते हैं इसी कविता के ऊपर जिसका शीर्षक है प्रतिज्ञा नमस्कार सीता जी नमस्कार कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आपका तह दिल से स्वागत आज हम जो आपकी कविता सुनने वाले हैं वो है प्रतिज्ञा मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने नए वर्ष नया वर्ष जब आता है तो आप कोई ना कोई प्रतिज्ञा करते हो करते हो तो बताइए ना आपने कौन कौन सी प्रतिज्ञाएँ की थी आप तो ज़रूर कुछ अच्छा लिखने की प्रतिज्ञा करती होगी जहाँ तक मुझे लगता है <laughs> तो आपके लिखे कोई मैं आपके कहे कोई सच मान ले लो हाँ <laughs> हम बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञा करते इसलिए तो हमें इतनी अच्छी अच्छी कविताएं है, मिली हैं तो सुनते हैं ये कविता प्रतिज्ञा जिसने आप जिसमें आपने कहा है नए वर्ष के प्रथम प्रहर में नए वर्ष के प्रथम प्रहर में आओ खुद से वचन मांग ले दिल से सच्ची करे प्रतिज्ञा शिव भगवान का हाथ थाम ले ईश्वर की श्रीमत पर चलेंगे दिल ही दिल में आज ठान ले नए वर्ष के प्रथम प्रहर में वाह क्या खूब कहा है ये श्रीमत क्या है श्रेष्ठ मत अच्छा तो श्रेष्ठ मत तो फिर भगवत गीता है हमारे इसके आगे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है या फिर भागवत पुराण जो है उसके पहले भी श्रीमद् भागवत कहा गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे श्रीमद् गीता पहले भी मैंने कहा था कि श्रीमद् गीता केवल एक गीत गाने जैसा नहीं है उसमें पूरा जीवन दर्शन है अच्छा कि मुझे अपना जीवन कैसे चलाना है अच्छा इसीलिए उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता अच्छा भगवान के द्वारा दी गई श्रेष्ठ मत अच्छा अच्छा लेकिन ये श्रीमत पे चलना क्या होता है जो भी चीज़ हम आचरण में ले आते हैं हम्म वो चलना हो गया अच्छा तो कौन सी चीजें हमें आचरण में लानी चाहिए इस मतलब आप जैसे बोले श्रीमत श्रेष्ठ मत जो भगवान का है तो कौन सी चीजें हमें आचरण में लानी चाहिए नए वर्ष की शुरुआत करते वक्त नए वर्ष को देखिए लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं हम्म बिल्कुल। कुछ कुछ लोग केक कुछ लोग केक काटते हैं, हैं। करते हाँ बहुत ही नाचते हैं, नाचते गाते हैं हाँ। मैंने उसको अलग तरह से लिया है अच्छा तो किस तरह से लिया है मतलब आप इस नए वर्ष को में ये श्रीमत पे चलेंगी यानी क्या करेंगे वो कैसे चलेगी आप इसके बारे में कुछ मैं आपको सुनाती देखिए नए वर्ष के प्रथम प्रहर में आओ खुद से से वचन मांग ले। दिल से सच्ची करे प्रतिज्ञा मेरे प्रभु का हाथ थाम ले बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ही दिल ही दिल में आज ठान ले नए वर्ष के प्रथम प्रहर में नए वर्ष पे अगर हम कोई अच्छी सी प्रतिज्ञा कर लें इस वर्ष मेरे को अपने जीवन का ये लक्ष्य पाना ही है इस वर्ष मुझे अपने समाज के लिए ये करना ही है अच्छा ऐसे ऐसे कोई भी अच्छी प्रतिज्ञा कर सकते हैं जैसे कि आप कोई उदाहरण दे सकते हो कि मुझे ये पाना है या मुझे समाज के प्रति ये करना है मतलब हम क्या कर सकते हैं समाज से हम बहुत सारा कुछ लेते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल तो हमें देना भी तो होगा ना जी हाँ जी हाँ देने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ती है क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमें लेना तो सबसे याद रहता है जी हाँ. देना याद नहीं रहता नहीं। तो अगर हम प्रतिज्ञा कर ले मन के अंदर और उसको रोज अपने मन के अंदर दोहरा भी ले हाँ. अगर लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है तो भला वो समाज को क्या दे सकता है उसके पास खुद के लिए ही कुछ नहीं है तो वो समाज को क्या दे सकता है सहयोग दे सकता है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है क्या बात है बहुत बड़ी बात कही आपने और यहाँ पे आपने ये भी कहा है शिव भगवान का हाथ थाम लें ये भगवान का हाथ थाम के प्रयास ये बहुत ही अच्छी अच्छी कल्पना है क्या आप नए वर्ष की शुरुआत भगवान को याद करके करती हैं ये बहुत अलग आया है जैसे कि आपने कहा कि लोग अक्सर बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं नए वर्ष की शुरुआत में पार्टीज हो नाचना गाना केक काटना वग़ैरह लेकिन ये शुरुआत कैसी शुरुआत है इसके बारे में क्या कहेंगे आप नए वर्ष में कोई अच्छी प्रतिज्ञा मैंने की मान लो हाँ तो उसको फिर रोज़ मन के अंदर दोहराया हाँ, लेकिन ईश्वर से के साथ की जो है उसके बारे का में का हाथ एक प्रतीक मात्र है जी हाँ अगर मैं सोच लू जैसे आपने कहा एक गरीब व्यक्ति कैसे मदद करेगा हाँ, हाँ। तो तो ईश्वर गरीब अमीर का सबका है जी तो अगर मन में उसने सोच लिया मैं मेरा प्रभु मेरे साथ है तो साहस आ जाएगा ना अंदर करने का बहुत साहस आ जाएगा तो वही मेरा मंतव्य है इसमें कि अगर हम ईश्वर को सोच लें कि मेरे साथ है तो साहस आ जाएगा साहस आ जाएगा तो हम प्रतिज्ञा पूरी कर सकते मगर ईश्वर हमारे साथ है ये एहसास कैसे हमेशा कैसे रह सकता है उसे बरकरार रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं साधारण रूप में जैसे मेरे माता पिता मेरे साथ होते हैं मेरा ईश्वर भी मेरे साथ है तो ईश्वर को माता पिता के रूप में देखना ये भी बिल्कुल बचपन से तो हमने मंदिर में गाया है तुम ही हो माता तुम ही पिता हो तुम ही हो बंधु ही सखा हो वो माता। तो माता मुश्किल क्या है फिर उसी भाव को मन में उतार लीजिए कि वो मेरे साथ चल रहा है वो मेरे साथ बोल रहा है वो मेरे साथ मेरी सा... बातें सुन रहा है तो आपको ये एहसास हमेशा रहता है कि ईश्वर ने आपका हाथ थामा है हाथ से मेरा मतलब वही है ईश्वर मन से मेरे साथ है क्या बात है वो इनविजिबल है वो अदृश्य है दिखाई नहीं देता लेकिन अगर मन में आप सोच लीजिए बहुत खूब लेकिन ईश्वर से जुड़ने के लिए आप कुछ योग या मेडिटेशन वगैरह करती है मेडिटेशन तो करते हैं अच्छा अच्छा आप किस तरह से करते हैं आप कोई उसकी रीति हमें बता सकती है मेडिटेशन का अर्थ है टू हील अप जी हाँ मैड्रिड से बना है इटली का शब्द है तो हील किसको करना है हुँ? मन घायल है ना जी, तन जी तो स्वस्थ है भले जी मन घायल है किससे कभी समाज के किसी व्यक्ति के व्यवहार से कभी हम जिस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते थे वहां पर लोगों ने हमारे साथ धोखा कर दिया हुँ? या जितना हमने प्रयास करा उतना परिणाम हमको नहीं मिला जी तब भी जी टूटता है जी। तो उसको हमें पूरा करने के लिए उसके ऊपर हमें दोबारा से उतनी ही ताकत लगाने के लिए प्रभु का हाथ चाहिए जी तो अगर मैं मन में मान लूं कि प्रभु तो मेरे साथ है ही क्योंकि प्रभु ने तो कहा ही अगर तुम मेरी श्रेष्ठ मत के ऊपर चलते हो तो मैं सदा तुम्हारा साथ हूँ तो लोग अपने विचारों को भूल जाते है भगवान तो नहीं भूलता कभी बिल्कुल सही कहा जैसे गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज लेकिन मैं देखती हूँ हमेशा मेडिटेशन करते वक्त लोगों को वह ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए रहते हैं या फिर वो श्वास के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो क्या ऐसा करने से हमारा ध्यान जो है हमारा लक्ष्य है वो भगवान के साथ जुड़ सकता है आपको क्या लगता है आंखें बंद करके बैठे या आंखें खोल कर बैठे अच्छा आंखें खोल कर बैठना श्रेष्ठ होता है अच्छा अच्छा क्यों अभी जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना? जी हाँ जी हाँ तो अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो आपको अच्छा लगेगा या आप आंखें बंद कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा बातचीत ही कैसी होगी <laughs> तो यही तो बात है यही तो मेडिटेशन है कि जब तो, आप भगवान से बातें कर रहे हैं वो आपको उत्तर दे रहे हैं अच्छा तो भगवान के साथ बातचीत करना क्या यही मेडिटेशन है तभी तो तीसरा कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा कितनी प्यारी बात कही आपने तो भगवान प्रार्थना के साथ में हम केवल भगवान से हम बोलते हैं वो हाँ, हाँ. तो सुनता है मेडिटेशन में हम भी बोलते हैं वो भी बोलता है अच्छा तो भगवान के साथ कौन सी बातें करें अगर हमें मेरे दोस्त मुझे मिल जाए मेरे पास उनके लिए कहने के लिए बहुत कुछ है आज मैंने ये शॉपिंग किया आज मैंने स्टूडियो में ये शूटिंग किया वो किया लेकिन भगवान के साथ मैं कौन सी बातें करूं जो दोस्त के साथ नहीं कर सकते वो भगवान के साथ करिए ना अच्छा यानी आप कोई उदाहरण दे सकते हो मैंने आज दिन भर में ये अच्छा काम किया अच्छा कल मेरे को इतनी शक्ति देना कि कल मैं दो करूं या प्र, मेरे प्रभु आज मेरे से ये भूल हो गई मैंने मैंने किसी किसी को ये अपशब्द बोल दिया है मैंने किसी के साथ गलती कर दी है तो मेरे अंदर इतनी बुद्धि देना इतनी समझ देना कि कल मैं ये गलती ना करूं अच्छा लेकिन मुझे पर मेरे साथ रहना बताने के लिए अच्छा आप कहेंगे तभी तो वो साथ रहेगा आपने किसी को कहा ही नहीं है मेरा साथ देना तो उसको कैसे पता आपके साथ की जरूरत है बहुत खूब कहा आपने लेकिन हम देखते हैं मतलब हमारे जो पुरखों के समय से हम देखते आ रहे हैं हमारे जो साधु संत हैं उन्होंने बहुत बड़ी तपश्चर्या की है भगवान को पाने के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए क्या भगवान हमारे साथ हम कितने आम लोग हैं हमारे साथ इतनी आसानी से बातचीत करेंगे हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे अगर हमारा मन उस में शांत होगा तो भगवान का उत्तर हमें सुनाई देगा सचमुच सचमुच आप अनुभव करके देख लीजिए ना मैं अभी आपको कहती हूँ आपके माता-पिता इस समय क्या कर रहे हैं वो शायद अभी दोपहर का समय होगा तो खाना खा रहे होंगे तो आंखों के सामने मन की आंखों के सामने क्या वो दृश्य नहीं आ गया आ गया क्यों आप उठकर तो नहीं गए दरअसल क्या है कि उनको बचपन से देखने की इतनी आदत हो गई है वो जल्दी सामने आते हैं आपके प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया अच्छा तो हमें आप इसी इसी से सोचिए ना कि भगवान भी मेरे साथ बचपन से साथ है वो मेरे साथ खाता है मेरे साथ पीता है मेरे साथ बोलता है मेरे साथ सुनता है मैं उसकी गोद में सो जाती हूँ क्या बात है ये बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण आपने दिया बहुत ही नया दृष्टिकोण आप हमारी लेखिका जी ने हमें दिया दोस्तों कि हम हर समय भगवान को महसूस कर सकते हैं उनको माता पिता के रूप में देख के या दोस्त के रूप में देख के तो नए वर्ष को हम ये संकल्प भी कर सकते हैं कि हमें बस भगवान को अपना साथी बनाना है इससे अच्छी फीलिंग दुनिया में कौन सी हो सकती है इससे अच्छा भाव दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है आगे आपने कहा है ज्ञान योग की विधि अपनाएं ज्ञान योग की विधि अपनाए दिव्य गुणों से खुद को सजाए विजय तिलक को रोज लगाए मन की शक्ति को आजमाए ये ज्ञान योग की विधि कौन सी है और विजय तिलक माना क्या मैं सुनाती हूँ आपको अच्छा ज्ञान योग की विधि अपनाए दिव्य गुणों से स्वयं को सजाए विजय तिलक को रोज लगाए मन की शक्ति को आजमाए पूरी पावनता अपनाए उनके नयनों में बस जाए गया समय उसको भूल जाए सोच शोक में व्यर्थ न गवाए ही <laughs> मंजिल पाते हैं इसको पक्की बात मान ले ज्ञान योग की विधि योग माने प्रभु से लगाव और ज्ञान माने किसी भी प्रकार के कार्य को पूरे उसके विधि विधान से करना अच्छा। दिव्य गुणों को हम जितना भी सजाते हैं दिव्य गुण क्या जो गुण हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर दे वो दिव्य गुण अच्छा। विजय तिलक को रोज लगाते हैं याद कर लीजिए बचपन में आपके माता पिता आपके मस्तक पर तिलक लगाते थे ना हर त्योहार पर ऐसे ही सोच लीजिए प्रभु मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा है और मन की शक्ति को आजमाए मन आपका कितना शक्तिशाली है इसको ताकत में देख लीजिए ना आपके कि आज मैंने जो प्रतिज्ञा की शाम को जब आप दिन का समापन होता है सोच लीजिए मैंने जितने विचार किए थे सारे पूर्ण हुए अगर नहीं हुए तो थोड़ा सा मन को और संभाल लीजिए कि आज हमने दस प्रश्न सोचे थे अभी तो आठ के उत्तर आए हैं दो को और करना है पूरी पावनता को अपनाए उनके नैनो में बस जाए किनके नयनों नैनो में माँ बाप रोज नहीं कहते बच्चे तू मेरे नैनो का तारा है तो अगर हम अच्छी तरह कार्य करते हैं तो प्रभु के नयनों के तारे बन गए गया समय उसको भूल जाए सोच शोक में व्यर्थ न गवाए आप सोचिए मान लीजिए मैंने आज कुछ काम नहीं किया अब संध्या समय भी नहीं किया थक गई हूं आराम कर लिया कल अगर मैं इस सोच में बिता दूँ अरे कल कोई काम नहीं किया आज इतने करने हैं आज इतने करने हैं कैसे करूंगी उससे अच्छा मैं जितने कर सकती हूँ उतने तो कर लूं। अगर आज का समय भी सोच में गंवा दिया तो कल वाले चालीस और आज वाले भी आपको चालीस करने तो कल क्या चौबीस घंटे की जगह मुझे अड़तालीस घंटे मिलेंगे <laughs> नहीं मिलेंगे ना इसलिए मैंने लिखा गए समय को व्यर्थ न गंवाए उसकी सोच में फिर से ना चले जाएं कर्मठ ही मंजिल पाते हैं इसको पक्की बा, बात मान ली आज मैं इतना अपना लक्ष्य बना लूं इतने कार्य करने हैं जो मेरे बचे हुए कार्य हैं वो थोड़े थोड़े रोज़ अच्छा। कर सकते हैं क्या बात है क्या बात है लेकिन ये कर्मठ ही मंजिल पाते हैं ऐसा आपने कहा है तो कर्मठ बनना चाहिए हमें कर्मठ माने मेहनती अच्छा बिना मेहनत के कौन सा कार्य सफल होता है बताइए अच्छा लेकिन मेहनत कौन सी करनी पड़ेगी जिस प्रकार का कार्य है अच्छा अच्छा ओके ओके लेकिन ये जो आपने कहा कि हमें और कोई सो, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है सिर्फ अपने के बारे में सोचना है तो ऐसा नहीं होता है हमेशा विचार तो दूसरे मन में आ जाते हैं व्यर्थ विचार या व्यर्थ संकल्प हमें जिस, हम जिसे कहते हैं आपने कहानी सुनी होगी ना द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है युधिष्ठिर ने कहा मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे मुझे चिड़िया भी दिखाई दे रही है मुझे उसकी आंख भी दिखाई दे रही है किसी ने कहा मुझे उपवन दिखाई दे रहा है अर्जुन ने क्या कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है बिल्कुल लक्ष्य किसने साधा अर्जुन अर्जुन ने तो हमें तो प्रभु कहते हैं तुम सब ही अर्जुन हो जो अर्जित कर ले वो अर्जुन अच्छा। कोई एक अर्जुन नहीं है ये प्रतीकात्मक है अच्छा तो हम तो जो अर्जित कर ले वो अर्जुन तो हमें क्या अर्जित करना है जो जो मेरी मेरी इच्छा हो। अच्छा। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी हो हो लेकिन ऐसी समाज के लिए भी उपयोगी हो अगर मेरी कोई ऐसी इच्छा है जो बाकी लोगों के लिए दुख लाने वाली है कष्ट लाने वाली है उनके लिए उपयोगी नहीं है तो मेरी इच्छा भी बेकार है अच्छा तो पहले अपनी इच्छाओं को तोल मोल लीजिए कि वो समाज के लिए उपयोगी हैं और व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं अच्छा लेकिन जीवन में इच्छाएं हमें रखनी चाहिए अध्यात्म कहता है कि हमें इच्छाएं कम करनी चाहिए आप इसके बारे में क्या कहेंगी इच्छाएं कम करनी चाहिए जो व्यर्थ की हैं अच्छा ओके ओके रास्ते तो हमको चुनने ही पड़ेंगे ना जी तो मैं व्यर्थ के रास्ते पे ना चली जाऊं इसलिए ईश्वर ने कहा कि इच्छाएं कम करनी चाहिए लेकिन ये इच्छाएं कम कैसे करें होती है इच्छाएं एक के बाद एक के बाद दूसरी <laughs> तो लहर तो एक के बाद एक के बाद आएगी लेकिन मुझे किस दिशा में जाना है उस हिसाब से ही तो मैं मझधार में नाव डाल के चलूंगी <laughs> या आप अगर सड़क पे चल रहे हैं तो बहुत सारे कट रहे हैं रोड एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहे है एक उधर जा रहा है लेकिन मुझे जिस मंजिल पे पहुंचना है मैं अपनी कार को उसी दिशा में तो मोड़ लेती हूँ क्या बात है क्या बात है मुझे वो कथा याद आई आप जब सुना रही थी कि जब कृष्ण भगवान ने कुंती से पूछा बुआ मैं तुझे क्या दे दूँ मेरे सानिध्य में जो कोई भी आया उन्होंने मुझे मेरे मुझसे बहुत कुछ पाया मेरे पास बहुत कुछ मांगा तू ही अकेली ऐसी है अब तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा कुंती ने कहा विपगत सुन में शश्वत हे कृष्ण तू मुझे दुःख दे दे हमें लगेगा क्या पागल है ये हमें अगर कृष्ण भगवान मिलते तो हम उस उनसे बहुत कुछ मांगते गाड़ी बंगला पैसा बहुत कुछ लेकिन कुंती इतना समझदार दुनिया में कोई नहीं उन्होंने कहा अगर मुझे दुख मिलेगा तो तू याद तो रहेगा हम इंसान ऐसे सुख में आते हैं तो तुझे भूल जाते हैं और दूसरा कुंती ने ऐसा कहा फल निर्विष्ठा याम याम योनिम भजामे हम तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वैर भक्ति दृढ़ास्तु में एक तो उसने कोई जैक नहीं लगाया अगला जन्म तो अच्छा मांग लेती हूँ बुआ हूँ उसने कहा मुझे कर्म फल के अनुसार ही जन्म मिले और कर्म फल के अनुसार जो भी जन्म मिले उसमें सिर्फ तुम्हारी भक्ति दृढ़ होते चले ऐसा उसने कहा है तो भगवान से अगर मांगना है हमें कुछ तो हम क्या मांग सकते हैं भगवान को ही मांग ले क्या बात है बहुत बहुत अच्छा कहा देने आपने। आपका हो गया तो सब कुछ आपका हो गया हाँ मतलब जल मांगने से अच्छा है कि नदी ही पूरी आपकी हो लेकिन दरअसल क्या है कि ये ख्याल मन में नहीं आता है जब हम मंदिर जाते हैं या कहीं पे जैसे आपने कहा मेडिटेशन के वक्त भगवान के साथ बातचीत करते हैं तो ये ख्याल नहीं आता है तो इसे दृढ़ता पूर्वक धारण कैसे करें लक्ष्य पहले आपके मन में क्लियर होगा तो धारण कर लेंगे ना अच्छा अच्छा जैसे अर्जुन की बात अभी चली थी हाँ। अर्जुन को लक्ष्य था ना कि मुझे चिड़िया की आंख भेदनी है जी हाँ तो जी उसी अर्जुन की लक्ष्य भेदीता इतनी अच्छी हो गई ना बाद में उसने चलती मछली की आंख भेद दी जी हाँ तो जी कैसे हुई अभ्यास से हुई ना हर बात अभ्यास से धारण कर सकते हैं बिल्कुल अध्यात्म भी तो एक अभ्यास है <laughs> आपने इसमें कहा है कि ज्ञान योग की विधि अपनाएं उसके बारे में तो हमने जाना लेकिन पूरी पावनता को अपनाएं उनके नयनों में बस जाए ये अध्यात्म के लिए पावनता भी ज़रूरी होती है तो ये पावनता यानी पवित्रता वो कैसे धारण करें देखिए पवित्रता का विषय वैसे तो बहुत बड़ा है आप सुना दीजिए हम सुनने के लिए तैयार पा, हैं पावनता किस प्रकार की मेरे विचारों में पावनता हो अच्छा मेरी वाणी में पावनता हो अच्छा। अधिकतर क्या होता है हम सोच कुछ और रहे होते हैं बोल कुछ और रहे होते हैं वैसा तो होता है क्योंकि अभी इतना जिंदगी में इम्बेलेंस्ड आया है तो ये सब हो जाता है तो वो कैसी ला कैसा लेकिन लाए? भावों की शक्ति इतनी ज्यादा होती है अगर हम सोच कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं तो भी वो पहुंच जाते हैं दूसरे तक अच्छा ये कैसे होता है थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था आपकी माता जी क्या कर रही होंगी हाँ. तो आप यहाँ से उठकर तो नहीं गई लेकिन आपने बता दिया ना क्योंकि आपकी भावना में था इस समय वो भोजन करती हैं अच्छा अच्छा ओके लेकिन ये भाव जो है तो दूसरों तक पहुंचते हैं तो हमें मन में कौन से भाव धारण करने चाहिए कि अगर मैं आदत डाल लूं कि मेरे को सबके प्रति श्रेष्ठ भावना ही करनी है तो धीरे-धीरे वो आदत बन जाती है ना लेकिन कैसा होता है हमेशा तो ऐसे नहीं होता अगर हमारा किसी के प्रति नहीं है वैसा भाव मतलब किसी के वजह से हमें तकलीफ होती है तो श्रेष्ठ भाव तो भला नहीं आ सकता है तो क्या कहेंगे आप आपकी बात सही है नहीं आ सकता ना तो लाना पड़ेगा ना मुझे अच्छा जो मुझे चाहिए पानी मेरे फ्रिज में रखा है हाँ प्यास मुझे अभी लगी है हाँ तो लाना तो पड़ेगा उठ के लेकिन क्यों मैं लाऊ अगर वो मेरे बारे में बुरा सोचता है तो मैं क्यों भला श्रेष्ठ भाव लाऊप्त मुझे करना है फल मिलेगा मुझे उसके कर्म का फल मिलेगा अच्छा तो वो नहीं भी रखता शुभ भावना तो मैंने जो दिया मेरे खाते में तो वो जाना है अच्छा अच्छा अब बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना हाँ तो बैंक में आपने जो डाला आपके में जाना है आपके दोस्त ने जो डाला उसके में जाना है अच्छा अच्छा लेकिन पवित्रता का विषय इतना छोटा तो नहीं है ना पवित्रता का विषय और भी बड़ा है तो पवित्रता के बारे में आप और क्या कहेंगी अगर मेरे विचार पवित्र होंगे हाँ तो मेरी वाणी में शुद्धता आ जाएगी हाँ वाणी में शुद्धता होगी तो कर्म में भी शुद्धता आ जाएगी अच्छा अच्छा और कर्म में शुद्धता है तो अगर मैंने स्वच्छ का, मन से कार्य किया है पूरे विधि विधान से कार्य किया है तो सफलता तो निश्चित है ना बिल्कुल निश्चित है सफलता है, मिलेगी तो प्राप्ति होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा खुश हो जाएगा तो अगला दूसरा कार्य करने की ताकत आ जाएगी अच्छा लेकिन हमारी खुशी इस पे डिपेंड होना जरूरी है सफलता निर्भरता किसी भी चीज की अच्छी नहीं है लेकिन एक अंदर की खुशी आपको दूसरा कार्य करने की शक्ति देगी अच्छा और शक्ति तो हर कार्य के लिए चाहिए चाहिए, ही। वो तो है, शक्ति शक्ति हर कार्य के लिए चाहिए। लेकिन ये शक्ति हम आजकल कहाँ से लाए मतलब भगवान का ध्यान करके लाए या फिर अपने विचारों से लाए या फिर इन धारणाओं से लाए <laughs> सभी का थोड़ा थोड़ा रोल है अच्छा अच्छा भगवान से मैंने प्यार से बातें की उसने मुझे मन ही मन कुछ निर्देश दिए उनको मैंने धारण किया हाँ फिर मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से किया पूरे विधि विधान से किया अच्छा इसका परिणाम मेरे को क्या मिलेगा अच्छा वाला मिलेगा बिल्कुल सही कहा बिल्कुल तो सफलता मिलेगी तो अगड़ी सीढ़ी चढ़ने की इच्छा पैदा होगी अच्छा अच्छा तो प्रोत्साहन ही तो चाहिए हर क्षेत्र में बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी और अच्छी 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 कार्य करता जाता है क्या बात है बहुत खूब कहा आपने आपसे जितना जानू उतना कम है क्योंकि आपके पास तो ज्ञान का खजाना है इसलिए मुझे ऐसे लगता है इस कविता के और भी छंद है तो क्या जल्दी है आगे सुनेंगे आगे के एपिसोड में सुनेंगे फिलहाल आपने इतना अच्छा हमें ज्ञान सहज रीति से समझाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी धन्यवाद दोस्तों आज के एपिसोड में हमने कविता सुनी प्रतिज्ञा जीवन में हर किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा करनी है कोई ना कोई अपने उन्नति की प्रतिज्ञा कर ली है लेकिन जीवन में उसके लिए बल भी तो चाहिए वो प्रतिज्ञा निभाने के लिए बल भी चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं करनी है उसके ऊपर अमल भी करना है तो आज प्रतिज्ञा कविता में हमने यही जाना कि हम प्रतिज्ञा जब करते हैं तो उसके ऊपर अमल कैसा करें और उस उसके लिए भगवान की शक्ति हम कैसे लें आगे के एपिसोड में हम इस कविता के और छंद भी सुनेंगे तो बने रहिए इस कार्यक्रम में कवि और उसकी कृति नमस्कार